लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पानी को अमृत माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। पूरी दुनिया में आज पानी को बचाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हमारे भारत देश में भी हाल है, जहाँ राज्य के कई जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। भारत में कई ऐसे हिस्से हैं जहां लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है। इन राज्यों में केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर राज्य आज सूखे की मार झेल रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ। लोगों के पास खेती करने और जानवरों को पिलाने के लिए पानी तक नहीं है। इन सब के बीच लोगों के पास एकमात्र सहारा रह गया है और वो है भगवान का। लोग अपने सूखे गले से भगवान को याद करने पर मजबूर हैं। सबसे ज्यादा सूखे का असर दिखा केरल में, लेकिन वहां इस मार्च को झेल रहे लोगों के लिए किसी देवी सी बन कर सामने आई हैं पी अमिनी। इन्होंने अपने जिले पलक्कड़ की हालत देखकर इसका उपाय सोचा। उन्होंने पिछले 6 महीनों में अपने जिले की अलग अलग जगहों पर 150 से ज्यादा कुएं खोदे हैं। पी अमिनी की टीम में कई महिलाएं हैं जो इनकी इस काम में मदद करती हैं। पी अमिनी बताती हैं कि उन्हें ये ख्याल तब आया जब पिछले साल एक गांव की महिला ने खुद को कुछ लीटर पानी की वजह से बेच दिया था। शुरू में इस काम को करने में पी अमिनी और उनके साथ काम करने वाली महिलाओं को काफी डर लगता था, लेकिन अब वो बड़ी आसानी से 60 से 80 फीट तक का गड्ढा खोद लेती हैं। इनके बनाए गए कुओं से कई गाँव वालों की जिंदगी बेहतर हुई है। देश में पानी के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, शहर हो या गांव, हर जगह के हालात एक जैसे ही हैं। ऐसे में पी अमिनी जैसे लोगों की हिम्मत ही है जो हमें किसी और पर निर्भर होने की जगह खुद उपाय खोजना सिखाती है।